और जी आज बन रही है बेसन की सब्जी माँ स्पेशल करी। तो ये बेसन मिला करके कढ़ाई में डाल दी और आगे का प्रोसेस जो है हम जी आप बताएंगे माँ क्या क्या कर रही है। मैं हमको बता नहीं, माँ ही बनाती है, हमको नहीं बनाना है। क्या करते हैं माँ उसको पूरा अगर सूख जाएगा हाँ। ये जैसा बन जाएगा ये हलवा की तरह बन जाएगा हाँ। तो उसको थाली में पसार करके उसको पीस पीस काट लिया जाएगा बढ़िया से। अच्छा तो तेल में फ्राई करके उसको मसाला भूज कर जैसे हम मछली गिराते हैं या बड़ी गिराते हैं गिराते हैं। अच्छा आप बेसन को फ्राई कर लीजिए और जब उसका पानी एकदम अच्छे से सूख जाए एकदम हलवे के जैसा दिखने लगे तो आप उसको एक थाली में निकाल लीजिए और उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए बेसन तो उसको एक पीस पीस में आप काट लीजिए और उसके बाद जैसे माँ फ्राई कर रही है उसको फ्राई करके निकाल लीजिए आप। दौड़ी दौड़ी कहतीन हे मोर मंगिया रोशन जा आई गे माई पड़ गे परोसिन शिव कह दियो बुझाए जो बुढ़बा मुड़ बरद पियोता नहीं हड़ कोना क जाई हे मोर मंगिया रोशन जा बस हक दिलन भगाए गौरी दौड़ी दौड़ी कहाँ झगड़ा छोड़े लो अही बिच गला पड़ाई है दौड़ी दौड़ी कहथिन है जब हमारा ग्रेवी अच्छे से उबल जाएगा तो माँ ने जो पकौड़ा तल के रखा है उसमें डाल देंगे और 2-3 मिनट तक उसको छोड़ देंगे। A few moments later. सब्जी बनके तैयार हो गया, देख सकते हो आप कितना यम्मी यम्मी लग रहा है। तो जी अब पापा को छोड़ दिया है हमने और अब चलते हैं घर। कोर्ट जब भी चल रहा होता है तो इसी तरह का भीड़ भाड़ देखने को मिलता है यहाँ पर, जो और भी पौधे मिल रहे हैं तरह तरह के। तो खरीद लो एक मेरी जान। जी पापा को घर छोड़ दिया और अब आ गए हैं घर और अब लगी है बहुत तेज भूख तो खाना खाना है। जिया जल्दी से खाना लगाओ। क्या बना है? बेसन की सब्जी, चावल, दाल और सलाद और दही, दही जी जी और फूल का चोखा। फूल का चोखा भी बना है, बहुत टेस्टी। वो हमको अच्छा नहीं लगता है, इनको ना कुछ अच्छा नहीं लगता। जब खा लेंगे तब बोलेंगे हाँ ठीक ठाक है, फिर दूसरे दिन भर भर के खाएंगे। आज वही माँ को बोल रहे थे चिकना नहीं खाना चाहते थे, एक दिन डांट डांट के खिलाएगी, डैडी को बोल देंगे नहीं खाओगे तो फिर भर भर के कटोरी खाते हैं। चिकना हमको उसका पता नहीं अजीब लग रहा था देखने से, खाने में और खाने में बाद में अच्छा लगने लगा वो अलग बात है। तो जल्दी से खाना लगाओ मेरा।
ए पागल सब, यही उम्र है, खेलेगा बाद में आएगा जिम्मेदारी। The next day. अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम सभी उठ चुके हैं। इतनी जल्दी हम सभी इसलिए उठे हैं क्योंकि माँ जा रही है। इधर देखिए माँ के लिए चाय तैयार हो रहा है। तो माँ आज निकल रही है, अब कब आना है दीदी? फिर अभी कुछ नहीं बता सकते, जब तक चुनाव नहीं, कुछ पता नहीं जब तक चुनाव नहीं हो जाए। और ये आ गया मेरा भी चाय, दीदी पी ली। Walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost.